नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। चुनावों में रंगों की सियासत फिर से गरमाने लगी है। एक बार फिर से चुनावों के रंग में भंग डालने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आखिरी चरण में है, लेकिन चुनावों में सियासत चमकाने वाले अपने कामों में लगे हुए हैं। आखिरी चरण में धर्म की राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले अयोध्या और अब उन्नाव में रंग पर सियासत गरमा गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या डीएम के साइन बोर्ड के बाद अब उन्नाव के पार्क में खड़े झूलों पर रंगों की सियासत होने लगी है। बताया जा रहा है कि उन्नाव के निराला पार्क के झूले हरे और लाल रंग में रंग दिए गए हैं। ये पार्क शहर के प्रमुख पार्कों में शामिल है, लेकिन अब इसके झूलों पर चढ़ा रंग चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इन झूलों पर पीला कलर किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीति को धार देने के लिए और चुनावी प्रक्रिया में अड़चन लाने के लिए इन झूलों को पीले से हरे और लाल रंग में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि ये पार्क उन्नाव डीएम कार्यालय के बगल में ही स्थित है और किसी ने जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए इन झूलों पर हरा और लाल रंग किया है, जिससे माहौल को खराब किया जा सके और धर्म पर राजनीति शुरू हो। वहीं जब से इन नए रंगों वाले झूलों की फोटो वायरल हुई है, तब से अधिकारी बगले झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं और सफाई देने में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि कोई रातों रात पार्क को रंग कर चला गया और अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी, जबकि ये पार्क डीएम ऑफिस के पास ही बना हुआ है, जिसके बाद से अब सभी अधिकारियों को लाइन बंद किया गया है। तो वहीं सवाल पूछने पर सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हुए दिखे। किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। आपको बता दें कि हाल ही में रामनगरी अयोध्या से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर अयोध्या के जिलाधिकारी के आवास का बोर्ड बदलने के मामले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। दरअसल यहां पर डीएम आवास का बोर्ड केसरिया से हरा रंग कर दिया गया था। चुनाव के बीच ये मामला सोशल मीडिया पर भी खूब हाईलाइट हुआ था। डीएम आवास के मरम्मत के दौरान बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग बदलने की शुरुआती जाँच में पीडब्ल्यूडी ने जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया था। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी नीतीश कुमार को भी भेजी गई थी और उन्होंने जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया था। तो वहीं अब जब रंग का मामला दोबारा से उठने लगा है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या कड़ी कार्रवाई करता। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।